कोचिज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये साजिश है, हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर? कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। कोई गुस्सा में नहीं है, कोई गुस्सा में नहीं है, कोई गुस्सा में नहीं है। सुनिए, देश गुस्सा में नहीं है। हेलो, आप हेलो, ये लोग जो बैठे हैं इनकी परसेंट संख्या 3% है। 97% लोग विभूषण सिंह के साथ हैं, 97% विखला विभूषण सिंह के साथ हैं। हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। देश के लिए मेडल जीतकर पोडियम पर चढ़ने वाले ये रेसलर्स आज जंतर मंतर पर चादर बिछाकर धरने पर बैठे हैं। देश के 30 पहलवान, जिनमें बहुतों ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया है, वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की ही कुश्ती संघ के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। चैंपियन पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद हैं, उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को ब्रिजभूषण शरण सिंह ने निराधार बताया है। पहलवानों का कहना है कि वो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया की कुछ नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पूरा संघ ही बदल जाए। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की। पुनिया ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर अपशब्दों का प्रयोग कर गाली देने का आरोप लगाया, थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। विनेश फोगाट ने फेडरेशन पर मेंटली टॉर्चर करने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी जान लेने की भी सोची थी। जो कोचिज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये कुछ कोचिज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, मतलब जी 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 एक आपने कोचेज की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। पहली बात तो हमारे पास धमकियां आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता। विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए, मतलब फेडरेशन, मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा, इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। क्या मैं, अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो, मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। और हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है, अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिला है। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। तो वो हर महीने अगर बच्चा वजन घटाएगा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता, आप किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी साइंटिस्ट से पूछिए कि एक बार वजन आदमी कम करता है तो उसकी रिकवरी कितने दिन में होती है। अगर हम यहाँ पे एक महीने में एक बार वजन घटाते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोबारा से वजन घटाते हैं, अगर हम फाइनल में जाते हैं तो तीसरी बार अगले दिन भी हमें वजन दिखाना होता है। अगर कोई भी इंसान एक बार वजन घटा के महीने में 3 बार वजन घटा के कोई परफॉर्मेंस दे के दिखा दो, हमारे को आगे बोल देना कि आप गलत थे। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था इस साल का, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ट्रायल दिया है, फिर मैं वो किया, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है। 10 दिन मैं प्रोग्राम में बिजी रही हूँ, आपको पता है कि कॉमनवेल्थ में जीतने के बाद में देश से इतना प्यार मिलता है, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, खेल मंत्री जी से मिलते हैं, वो प्रोग्राम में हम बिजी चल रहे हैं, 10 दिन बाद ट्रायल रख दिया जाता है। मैं बोलती हूँ कि सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, जब हम रोहतक में उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साक्षी ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि आप डरते हो। हम बोले सर डर डर के इतने साल तक हम यहाँ पे नहीं आए हैं, 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे हम।
लेकिन उसके बाद भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, मेरे को ट्रायल जबरदस्ती दिलवाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूं, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की थी। वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तुम्हारा खोटा सिक्का है, मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। विनेश फोगाट ने बिजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बिजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद हैं। वो लोकसभा में कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। वो अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। सुनिए इस खास बातचीत में बिजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि इसके पहले अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं, खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं, और उसके बाद सामने कौन है ये भी नहीं है, किस खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया या और किसने किया, आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ देर के अंदर जो है सारे नाम बता देंगे, जिन नामों को अगर वो डिस्क्लोज करते हैं क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे और आप अपने ऊपर भी जांच के लिए तैयार हैं। भाई हम तो अब जांच के लिए तैयार हैं, जांच तो होगी, जांच के लिए तैयार हैं। क्या जो लोग नाराज हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको मनाने के लिए जाएंगे? देखिए मैं आया तो इसीलिए था, लेकिन जब सेक्सुअल हरसमेंट का आरोप लग गया तो क्या मुझे जाना चाहिए? अब वो भी ठंडे मन से सोचेंगे, हम भी सोचेंगे, अगर मिलने से ये भी तो कहा जा सकता है कि हम इस नाते आए और धमकाने आए। विनीशा फोगाट वो आरोप लगा रही हैं कि जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की थी तो उनको यहां से थ्रेट दिया गया, फेडरेशन के लोगों ने उनको जो है धमकी दी। अब फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं, विनोद तोमर ऑफिस का काम संभालते हैं जो कि भारत सरकार के आदमी हैं, और एक हम हैं। तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं और तोमर जी ने कभी धमकी दी नहीं। अब कौन धमकी दिया, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, FIR कर देना चाहिए था। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं क्या आपको लगता है कि कोई साजिश है इसके पीछे? लगता है साजिश है। कौन लोग हो सकते हैं सर? अभी मैं पक्का मुतमइन नहीं हूँ, लेकिन मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है, जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसी ने किया होगा। क्योंकि कुछ समय पहले आपने कुछ जहां जिन स्टेट्स में 2-2 एसोसिएशंस थी वहां कुछ को डिस्क्वालीफाई किया, टर्मिनेट किया है और सस्पेंड किया है, ये उस वजह से तो नहीं है? जैसे हरियाणा में फेडरेशन नहीं बनी है, महाराष्ट्र में फेडरेशन नहीं बनी है, और वो भी जो मापदंड है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से बनी है। तो नाराज हैं लोग, क्योंकि जो 20-20 साल से 30-30 साल से जिनका कब्जा था तो नाराज तो होंगे, नाराज हैं। और ये फेडरेशन भी, मैं दीपेंद्र हुड्डा से चुनाव लड़के के जीता था तो ये कसर तो है ही है। दीपेंद्र हुड्डा हैं और उनके साथ और कौन हो सकता है? नहीं दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा इसमें नहीं है। चलिए और कौन है आपको लगता है? आपने पहले कहा था उद्योगपति है। हाँ हमारा शक है, बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। पूरी फेडरेशन में जिन लोगों ने आरोप लगाया उनकी एक मांग है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से, क्योंकि आपके ऊपर सीधा आरोप है और जांच होने तक तो आप बिल्कुल अध्यक्ष नहीं रहने चाहिए। मुझे अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार में रह चुका हूँ, मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है। और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है, तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं इनकी संख्या 1% से भी कम है,
हमें मिजोरम भी देखना है, हमें मणिपुर भी देखना है, हमें देश के खिलाड़ियों की भावना को भी देखना है, उनसे भी बात करना है। अब अगर मेरे इस्तीफा देने से समस्या का समाधान होता है, इनको तरक्की मिल जाती है, तो ये हमारे बपौती नहीं है। ये जितने खिलाड़ी हैं सब टॉप के स्कीम में हैं, भारत सरकार के टॉप के स्कीम में हैं। एक भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलने के बाद नेशनल नहीं लड़ा है, एक भी खिलाड़ी ओपन नेशनल नहीं लड़ा है। ट्रायल में भी ये फेवर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों की ट्रायल हो जाए, फिर एक कुश्ती इनकी हो जाए। ये कहते हैं वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो बच्चे नेशनल लड़ते हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है, जो लड़के ट्रायल देते हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है, तो किसी विशेष के लिए कोई नियम नहीं होगा। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी जंतर मंतर जाकर खिलाड़ियों से मिली। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तार होने की मांग की। बता दें दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया इस मामले का। ट्वीट करके मालीवाल ने जांच के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। न्यूज़ टेक ब्यूरो।